नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल ओनली टीचिंग पर। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय ने अपने सभी रीजनल ऑफिस को एक लेटर लिखा है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर क्या है वो लेटर और क्या डायरेक्शन केंद्रीय विद्यालय ने अपने सभी रीजनल ऑफिस को दिए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये वो लेटर है जो कि केंद्रीय विद्यालय ने अपने सभी रीजनल ऑफिस को सेंड किया है। ये मेनली रिलेटेड है पीआरटी म्यूजिक, लाइब्रेरियन, टीजीटी मिसेलिनियस, पीजीटी ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, फिर हम डिटेल में इस लेटर को जानेंगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है वो ये कही गई है, द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मस्ट बी इश्यूड बाय स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट ऑन और बिफोर 5 मार्च 2019, फॉलोड बाय ईमेल इफ एनी। मतलब कहने का ये है कि जो भी कैंडिडेट अपॉइंट किए जाएंगे, जो भी शॉर्टलिस्ट हुए होंगे, उनको 5 मार्च 2019 से पहले या 5 मार्च 2019 को जो लेटर है ऑफ अपॉइंटमेंट वो स्पीड पोस्ट के थ्रू सेंड किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर ईमेल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट प्रिपेयर हो चुकी है, यानी कि रिजल्ट कहीं ना कहीं रेडी है और अपॉइंटमेंट लेटर प्रिंट होके जल्द ही स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज दिए जाएंगे और बाद में फिर मेल भी कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद जल्द ही 2 से 3 दिन में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है वेबसाइट पर। ठीक है, ये सारी बातें मैं इस लेटर के आधार पर कह रहा हूँ। ठीक है ना, अब हम इस लेटर को डिटेल में पढ़ लेते हैं। इस लेटर में यहाँ पे सबसे पहले ये बताया गया है कि जो पोस्टिंग होगी, जो आपको स्कूल अलॉट किए जाएंगे, उसमें किन बातों को ध्यान रखा जाएगा प्रेफरेंस देते टाइम। सबसे पहली बात ये कही है कि भाई जो ब्लाइंड और फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट्स होंगे उनको उनका होम एरिया दिया जाएगा। ठीक है, ये पहली प्रेफरेंस होगी जो भी वैकेंसीज अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा ये कहा गया है कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको कोशिश किया जाएगा कि मोर कन्वीनियंट प्लेस है वो दिया जाए अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय ने ये भी कहा है कि इसके बाद जो पहली प्रायोरिटी होनी होगी उसमें जो प्रोजेक्ट सेक्टर के जो केवीएस हैं उनमें पहले ज्वाइनिंग दी जाएगी कैंडिडेट्स को। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे ज्वाइनिंग सबसे पहले दी जाएगी जहाँ पे सबसे ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। ठीक है ना, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। तो ये कुछ बातें हैं जो कि प्रेफरेंस को लेकर हैं, किस प्रकार से ज्वाइनिंग दी जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट ने ये भी कहा, केवीएस ने ये भी कहा है कि जो भी कंसोलिडेट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट who have been issued offer of appointment in the above manner should be displayed on the website of regional office immediately। मतलब जो जिनको भी अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाएगा उनकी एक लिस्ट तुरंत वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है ना, इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं, बाकी तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए, ये कुछ बेसिक सी बातें बता रखी हैं जिसमें बता रखा है किस प्रकार से आपका वेरिफिकेशन होगा, प्रिंसिपल किस प्रकार से वेरिफिकेशन करेंगे। ये सारी बातें आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात ये है, इसमें ये क्या रखा है कि कोई भी एक्सटेंशन अलाउड नहीं होगा। अगर आपको एक बार ज्वाइनिंग के लिए जो पीरियड दिया जाएगा उस पीरियड में ही आपको ज्वाइनिंग करनी है, कोई भी एक्सटेंशन अलाउड नहीं होगा। लेकिन अगर कोई एक्सट्रीम केसेस है तो डिप्टी कमिश्नर जो होंगे वो कंसिडर करेंगे और अगर उनको लगता है तो 45 डेज का आपको एक्सटेंशन दे सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं इस बार केवीएस ने श्योरिटी बॉन्ड लॉन्च किया है जो भी न्यू रिक्रूटमेंट होगी उसमें। तो इसमें क्या होगा कि आपको एक सर्विस एग्रीमेंट कम श्योरिटी बॉन्ड फिल करना होगा जो कि 2 लाख का होगा। जो प्रोबेशन पीरियड होता है 2 साल का, अगर उससे पहले आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपये केंद्रीय विद्यालय को पे करने पड़ेंगे। तो इसलिए जो भी ज्वाइन कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें। अब हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें ये है कि सभी रीजनल ऑफिस को ये कहा गया है कि आपको 30 अप्रैल 2019 तक एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है कि किस किसने ज्वाइन किया है स्कूल और किसने ज्वाइन नहीं किया, और वो लिस्ट जल्द ही आपको हेडक्वार्टर में भेजनी है। तो यहाँ से आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि जल्द ही आपको वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिल सकती है। अगर 30 अप्रैल तक का टाइम मिला है रीजनल ऑफिस को तो आप यूँ अंदाजा लगा लीजिए कि मई के लास्ट या जून में आपको वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिल सकती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको अभी शेयर की या जो भी मैंने गेसेस की, ये सारे मैंने इस लेटर के बेस पे किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों तक। तो दोस्तों, मैं आप सबको बधाई देता हूँ पहले से ही, जो भी इसमें सिलेक्ट होंगे आप अपना रिजल्ट चेक करते रहें, जल्दी आपको रिजल्ट देखने को केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर मिलेगा।
मिलेंगे दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।